लोकसभा चूंटणी नजीक छे अने चूंटणी पहला सरकार आ वखते वन नेशन वन इलेक्शन लक्ष्य तरफ आगळ वधशे के केम थी अंगे जोरदार चर्चा छे। सूत्रों ने टाकीने जणाववामां आवी रह्युं छे के घणी चर्चा विचारणा बाद कायदा पंच आ निष्कर्ष पर पहोंच्यु छे के 2024 मां वन नेशन वन इलेक्शन लागू करवुं मुश्किल हशे। पंजाब में वर्तर एमएसपी और लोन माफी ने लेने खेडूतों आंदोलन चालू है। समग्र पंजाब में खेडूतों रेलवे लाइन पर बैठा है। रेलवे ट्रेक जाम बाद दिल्ली थी अमृतसर, पठानकोट थी अमृतसर और पंजाब थी चंडीगढ़, जलंधर लुधियाना थी मोगा, फिरोजपुर, फाजिलका वगैरह तमाम मार्गो संपूर्ण रीते ठप है। तेनाथी 90 ट्रेनों प्रभावित थी। खेडूतोए दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे ब्लॉक कर्यो। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन यथावत। कर्नाटक बंद नु ऐलान आपता पुलिस तंत्र सज्ज बन्यू। कावेरी नदी नु पानी तमिलनाडु ने छोड़वाना विरोध में कन्नर समर्थकों और खेडूत संगठनों कर्नाटक बंद नु ऐलान आप्यू, जेना कारणे सवार थी कर्नाटक ना मांड्या जिला में कलम 144 लागू करी देवाई। सिद्धरमैयाए कावेरी जल मुद्दा पर एक प्रेस कॉन्फरेंस योजी, जेमां कह्युं के कावेरी वोटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी की बैठक थी, अमारा तमाम तथ्यों रजू कर्या, सुप्रीम कोर्ट में आ अंगे सवाल उठावी शकीए तो हूँ अमारी कानूनी टीम साथे बात करीश अने तेमनी साथे बात कर्या पछी शुं करवुं ते नक्की करीशुं। पंजाबना खेडूतो एमएसपी और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन दरमियान थयेला केसों ने परत खेंचवानी मांग साथे 3 दिवसना रेल रोको आंदोलन पर छे। रेल रोको आंदोलन बीजो दिवस त्यारे आ मामले उत्तर रेलवे जनरल मैनेजरे कह्युं के पंजाब में खेडूतोना विरोधना कारणे ट्रेनों की अबर जबर ने भारे असर पड़ी छे। अत्यार सुधी में लगभग 90 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और 150 ट्रेनों रद्द कराई। महिला अनामत बिल हवे कायदो बनी गयो छे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूए नारी शक्ति बंधन अधिनियम ने मंजूरी आपी। आ विधेयक 20 सप्टेम्बरे लोकसभा और 21 सप्टेम्बरे राज्यसभा में पसार थयुं हतुं। मेनका गांधी की मुश्किल बढ़ी है केम के इस्कोन विरुद्ध निवेदन आपवुं भारे पड्युं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी की मुश्किल बढ़ी रही है। इस्कोन कोलकाता उपाध्यक्ष राधारमण दासे कह्युं के हवे मेनका गांधी की विरुद्ध 100 करोड़ रूपया मानहानि दावो करवामां आवशे। आ अंगे मेनका गांधी ने नोटिस पण इश्यू करवामां आवी छे। युक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्कीए रशिया साथ चाली रहे युद्ध वच्चे भारत में आवानी इच्छा व्यक्त करी। युक्रेन तरफ से कहेवामां आव्युं छे के तेओ आ वर्षना अंत सुधी में भारत की यात्रा करी शके अने तेना माटे भारतना टॉप लेवल ना लोको साथे बातचीत करवा खसरास दाखव्यो छे। जो कि जेलेंस्कीनी भारत यात्रा अंगेनी बातचीत शरूआतना तबक्कामां छे। आ यात्रा सफल थशे तो भारत रशियाना संबंधोने असर पड़वानी संभावना। भारत साथ तंगदीली भरिया संबंधों वच्चे केनेडाना वडाप्रधान जस्टिन ट्रूडो घेराई रहा छे। एक तरफ आतंकी निज्जर की हत्या में भारत की संडोवणी आरोप मुक्या बाद पुरावा आपवामां निष्फळ रहा। बीजी बाजू एक नाजीए केनेडियन संसद में बोलावी सन्मान कर्या बाद माफी मांगवा मजबूर थया। आ दरमियान तेमना पर एक नवो आरोप ए लाग्यो कि ज्यारे G20 समिट में भाग लेवा भारत आव्या हता त्यारे तेमना विमान में कोकेन भरेलो हतो। राजस्थान विधानसभा चूंटणी आड़े गणतरी दिवसों बाकी है। भाजप ओबीसी द्वारा राजस्थान में सत्ता मेळवा 7 झोन बनाई चूंटणी की तैयारी आरंभी दीवाई है। हरियाणा धारासभ्य असीम गोयल ने बीकानेर झोन प्रभारी नियुक्त कराया है। आ झोन में 5 जिलाओ आवे छे। पंजाब भाजपा उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बीकानेर शहर की 2 विधानसभा की जवाबदारी सौंपाई है। शिवसेना सांसद संजय राउते महाराष्ट्र सरकार पर प्रहारों कर्या। कह्युं के महाराष्ट्र में लोकशाही की हत्या थई रही छे। राष्ट्रीय मंच पर लोकशाही ने मजबूत करवा ओम बिरला ना नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर छे। लोकशाही की शुं स्थिति छे अहीं ते सवालों उठाव्या। लोकशाही की हत्या करवामां आवी छे। एक वर्षथी तेओ संपूर्णपणे बंधारण कायदा ने सुप्रीम कोर्ट ने विरुद्ध सरकार चलावी रह्या छे। हाल में तमिल एक्टर विशाले मुंबई में केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड पर लांच लेवानो आरोप लगाव्यो, जेनाथी विरोधनो वनटोड सर्जायो छे। एक्टरे दावो कर्यो कि तेमनी फिल्म मार्क एंटनीना हिंदी वर्जनना सेंसर सर्टिफिकेट माटे फिल्म बोर्ड द्वारा 6.5 लाख रूपयानी लांच मांगवामां आवी।
यूपीने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनावनार अने देशना विकास एंजीन तरीके राज्य की ओळख स्थापित करनार योगी सरकारे हवे औद्योगिक विकास ने नवी गति आपवा माटे महत्वपूर्ण प्रयास कर्यो। सीएम योगी ना इरादा मुजब उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट हेठ खाली पड़ेला प्लॉट वेचाण माटे नवी स्कीम जारी करवामां आवी छे। संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भरता हासिल करवा माटे आईएएफ टूंक समय में वधु 156 प्रचंड लाइट कॉम्बेट हेलिकॉप्टर नो ऑर्डर आपशे। भारतीय सशस्त्र दलों द्वारा चीन और पाकिस्तान की सरहद पर प्रचंड लाइट कॉम्बेट हेलिकॉप्टर तैनात करवामां आवशे। छेल्ला 15 महीना में आमांथी 15 हेलिकॉप्टर पहलेथी ज काफला में शामिल कराया छे। ताजेतर में इंडियन एरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरीए लगभग 100 थी वधु एलसीए मार्क 1 ए खरीदवानी पण जाहेरात करी। भारतीय सेनाए 400 होविट्जर तोप खरीदवा माटे रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव मोकल्यो। होविट्जर तोप संपूर्णपणे स्वदेशी छे। डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एटले के डीआरडीओ द्वारा विकसावामां आवी छे। सेनाना एक वरिष्ठ अधिकारीए कह्युं के सरकार टूंक समय में हाई लेवल मीटिंग में होविट्जर तोप बाबते निर्णय लेशे। भारत अने चीन वच्चे लगभग 2.5 वर्षथी सीमा पर तनाव छे। भारत चाइनानी चालो थी पोताना माटे खुदनी विगतोने मजबूत करी रही छे। भारत लद्दाख में पोताने मजबूत करवा मांगे छे। आ माटे ते वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी नजीक लद्दाखना दूरना विस्तारों में व्यूहात्मक रीते महत्वपूर्ण पोस्ट बनावाना प्रोजेक्ट ने पूर्ण करवामां व्यस्त छे। तेना द्वारा एलएसी नजीकना विस्तारनी कनेक्टिविटी वधशे। स्विट्जरलैंडना जिनीवामां सिंधी फाउंडेशन द्वारा पाकिस्तानना सिंध प्रांत में सिंधीओनी दुर्दशा मामले एक दिवसीय पोस्टर झूंबेशनुं आयोजन थयुं, जेमां अभियान यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिलना 54मा सत्र दरमियान योजवामां आव्युं। सिंधना संसाधनोना शोषण माटे पाकिस्तान अने चीननी टीका करता सूत्रोच्चार उपरांत पोस्टरोमां केटलीक सिंधी राजकीय कार्यकर्ताओ पत्रकारो अने अन्य बौद्धिकोना चित्रो दर्शाववामां आव्युं। रिलायंस इंडस्ट्रीजना चेरमेन मुकेश अंबाणीए गुरुवारे रात्रे लालबाग चाराजा प्रतिष्ठित शोभायात्रा की मुलाकात लीधी। तेमणे तेमनी पत्नी नीता अंबाणी, पुत्र अनंत अंबाणी, पुत्री ईशा अंबाणी और अनंत नवधु राधिका मर्चन साथ भाईखला विस्तार में मूर्ति विसर्जन पहला गणपति बापा ने प्रार्थना करी। एशियन गेम्स में धीरे धीरे मेडल की संख्या बढ़ी रही है। एशियन गेम्स में फरीथी एक वक्त भारत ने शूटिंग में मेडल मळ्यो छे। आ साथे शूटिंग में मेडल की संख्या साथे भारत की मेडल टेली में संख्या पहुंची छे कुल 33 पर, जेमां भारते 8 गोल्ड मेडल जीत्या छे। 12 सिल्वर 13 ब्रोंज मेडल शामिल छे अने भारत चौथा क्रमे मेडल टेली में पहुंच्यो छे। सत्तर वर्षनी पलक गुलियाए चीनना हांगझाउ एशियन गेम्स में योजाली 10 मीटर एर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत्यो। पलक गुलिया ना परिवार ना सभ्यों फटाकड़ा फोड़ी ने एक बीजा साथे मिठाईओ वेची ने आ जीत की उजवणी करी। अमदावादना इस्कोन ब्रिज जेगवार कांड में ग्राम्य सेशन्स कोर्ट में सुनावणी थई, जेमां पोलीसे 137-8 मुजब तपास पूर्ण करी। 506 कागळोनो तपास रिपोर्ट कोर्ट ने सौंप्यो। एक व्यक्ति आईसीयू में दाखल होवाथी ते इजाग्रस्त व्यक्ति की तपास बाकी छे। आ केसनी ट्रायल 4 ऑक्टोबर थी शुरू थशे। गांधीनगर में धारासभ्य बाद हवे गांधीनगर महापालिका सभ्यों पण टेक्नो सभ्य बनवा जई रह्या छे। कोर्पोरेशन द्वारा तमाम 44 काउंसिलर ने टेब्लेट अपाशे, ते माटे लगभग 20 लाख नो खर्च थशे। गुजरात राज्यना जीपीएससी ना चेरमेन रही चुकेला दिनेश दासा ने वधु एक महत्वनी जवाबदारी। भारत सरकारे दिनेश दासा ने यूपीएससी ना सभ्य तरीके नियुक्ति आपी। तापी जिला में सिविल होस्पिटल ना खानगीकरण बाबते विरोध नो सुर उठ्यो। आदिजाति विभाग ना मंत्री कुंवरजी हड़पति और विधानसभा नायब मुख्य दंडक विजय पटेल सहित अधिकारी की हाजरी में पत्रकार परिषद योजाई, जेमां जणाव्युं के हाल सिविल होस्पिटल 236 बेड छे, जे वधारीने कार्ड सहित 605 करवामां आवशे।
सुरेन्द्रनगर जिला थान पंथक में खनिज चोरी मामले आगेवानोए जिला कलेक्टर ने रजूआत करी हती। बेफाम गैरकायदेसर खनिज की खाणों धमधमी रही है, तेम छता खाण खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही करवामां न आवती होवाना आक्षेप थया छे। अगाउ थान में गैरकायदेसर चालती खनिज की चोरी में बेखर धसी पड़वाथी पांच दिवस में पांच युवकों मौत थया हता। सुरेन्द्रनगर में ज्ञान सहायक प्रोजेक्ट रद्द करने की मांग साथ कलेक्टर कचेरी विद्यार्थियों एकत्रित थया हता। सरकार सामे रामधून बोलावी और सूत्रोच्चार करिया। आ विरोध में टेट और टाट पास करनार उम्मीदवारों जोड़ाया। अमदावाद कोर्पोरेशन की स्टेडिंग कमिटी की बैठक में जेनरिक दवाओं ने लेने महत्व निर्णय लेवायो। आगामी दिवसों में कोर्पोरेशन संचालित होस्पिटल में जेनरिक दवाओं स्टोर जोवा मळशे। एलजी होस्पिटल में आ स्टोर उभो करवामां आव्यो छे। अन्य होस्पिटलों में टूंक समय में स्टोर उभो कराशे। अमदावाद में विवादित हाटकेश्वर ब्रिज हवे तोड़ी पड़ाशे। लांबा समय थी चाली रहेला विवाद में ब्रिज तोड़वानी कामगीरी ने लईने तंत्रे हवे आरस खंकेरी छे। ब्रिज तोड़वा माटे टेन्डर बहार पड़ाशे। कोर्पोरेशन नी मळेली बोर्ड बैठक में टेन्डर बहार पाड़वानी जाहेरात। अमदावाद कोर्पोरेशन द्वारा विविध विस्तारों में लाखों खर्चे फुवारा बनावामां आव्या, परंतु केटलाक फुवारा शोभाना गाठिया समान छे एटले के वर्किंग कंडीशन में नथी। स्टेडिंग कमिटी की बैठक में बाबते चर्चा थी, जेमां बंद फुवारा चालू करने अंगे सूचना अपाई। अमदावाद में महिला अनामत बिल ने लईने कांग्रेस द्वारा धरना कार्यक्रम योजायो हतो। आ विरोध कार्यक्रम में कांग्रेस की फक्त त्रण महिलाओं जोवा मळी। फक्त 20 नेताओं द्वारा आ विरोध कार्यक्रम करवामां आव्यो। મહેસાણા જિલ્લાના જોટાણા શહેરમાં ધોળા દિવસે કોંગ્રેસ નેતાના પરિવારને બંધક બનાવી 44 લાખની લૂંટ થઈ હતી। કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પરજી ઠાકોરની આગેવાનીમાં જોટાણા શહેરમાં વેપારી તેમજ ગામના લોકોએ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી આવેદનપત્ર આપ્યું। મહેસાણા નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન। મુખ્ય હેતુ સફાઈના કામકાજ દરમિયાન એક ખાનગી એજન્સીને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો અને તે એજન્સીમાં ભ્રષ્ટાચાર થયા હોવાના આક્ષેપ થયા, જેને લઈને મહેસાણાના રંજનના ઢાળમાંથી ગઢેડા લઈને નગરપાલિકા પહોંચી કોંગ્રેસે વિરોધ નોંધાવ્યો। કોંગ્રેસથી કાર્યકર્તાઓની પોલીસે અટકાયત પણ કરી। યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે તાજેતરમાં ચાલેલા દબાણ હટાવો ઝુંબેશમાં વિરોધના સૂર ઉઠ્યા। કોંગ્રેસે આ દબાણમાં અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સરકાર દ્વારા કોઈ સૂચન ન કરાયું અથવા તો કોઈ વિચાર ન કરાયો તેનો અવાજ બનીને વિરોધ નોંધાવ્યો અને આ દબાણ હટાવો ઝુંબેશના વિરોધમાં કોંગ્રેસ દ્વારા રાષ્ટ્રપતિને પત્ર લખવામાં આવ્યો। રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ફરી એક વખત વિવાદમાં અને ભરતી પ્રક્રિયા ફરીથી વિવાદનું કારણ મેથેમેટિક્સ એજ્યુકેશન અને હિન્દી ભવનમાં લાગતા વળગતાની ભરતી કરી દેવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું। મોટાભાગની બેઠકો પર માત્ર એકને એક ઉમેદવારને બોલાવી તેમનું સિલેક્શન કરી દેવાતા વિવાદ સર્જાયો। હળવદના સરા રોડ પર ગંગા તલાવડીનું દુર્ગંધયુક્ત પાણી, રોડ પર ફરી વળતા વેપારીઓ ત્રસ્ત। વેપારીઓ દ્વારા નગરપાલિકાને રજૂઆત કરાઈ, જો કે પાલિકામાં રજૂઆત કરવા છતાં આજ દિન સુધી કોઈ નિકાલ નથી આવ્યો। સુરત શહેરમાં સ્માર્ટ સિટીના દાવા પોકર સાબિત થયા છે। સુરતના પાંજેસરા વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીમાં છેલ્લા એક વર્ષથી વારંવાર દૂષિત પાણીની ઉદભવેલી સમસ્યાનું નિરાકરણ નથી આવ્યું, જેને લઈને સોસાયટીના રહીશોમાં રોષ પાટ્યો। સાબરકાંઠાના તલોદના મોહનપુર ગામે ગોચરની જમીનમાં દબાણને લઈને મામલો વધુ બિચક્યો હતો। જમીનમાં રીસર્વેમાં થયેલી ભૂલોનો લાભ લઈને ગામના અગ્રણીઓએ બિનઅધિકૃત રીતે ગોચર દબાણ કર્યું હોવાના કારણે ગ્રામજનોએ વિરોધ કર્યો। દબાણના મામલે ગામના લોકો સ્થળ પર એકઠા થયા હતા અને મામલો વધારે ન બગડે તે માટે તલોદ પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી। બાયડના રામના તળાવ વિસ્તારમાં જમીન કટિંગ વિવાદ મામલે અરજદારે આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો। આક્ષેપ છે કે સ્થાનિક બિલ્ડર દ્વારા કરવામાં આવતા બાંધકામમાં પોતાની માલિકીની જમીન પચાવી પાડવા માટે સરકારી પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે કામગીરી શરૂ કરાવી હતી, તેને ન્યાય ન મળતા આ યુવાને આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો। જામનગરમાં પંચવટી હોસ્પિટલ પાસે છાશવાલા બ્રાન્ચ શોપની બેદરકારી જોવા મળી।
ग्राहक द्वारा जे आइसक्रीम खरीदवामां आव्यो ते आइसक्रीममां वंदो निकळ्यो। आइसक्रीममांथी वंदो निकळता छासवाला फ्रेन्चाइजीना हेल्पलाइन नंबर पर फरियाद थई अने आ दरमियान कस्टमर साथे अभद्र भाषामां जवाब मळता चेकिंग पण हाथ धरायुं। चेकिंग दरमियान फ्रीजमां पण वंदा जोवा मळ्या। सूरतना नवागाम विस्तारमां गणपति विसर्जन माटे बनावायेला कृत्रिम कुंडमां 5 वर्षनुं बाळक पड़ी जता मोत थयुं हतुं। बाळक न मरता परिवारजनों अने स्थानिक लोको द्वारा शोधखोळ हाथ धराई हती। जे दरमियान सत्यम नामनुं बाळक आ कुंडमांथी मळी आव्युं। મહેસાણા જિલ્લામાં ગણપતિ વિસર્જન માટે બનાવાયેલા કુંડમાં મસ્તી કરવી બાળકોને ભારે પડી। 12-13 વર્ષના 3 કિશોરો મસ્તીમાં કુંડમાં નાવા પડ્યા હતા તે દરમિયાન એક તુષાર નામના કિશોરનું ડૂબી જતા મોત થયું। કઠલાલ તાલુકામાં કરંટ લાગતા 2 મહિલાના મોત થયા છે। ઘોઘાવાડ તાબે રઘનાથપુરા ખાતે સુધાબેન દિલીપભાઈ ભોઈ અને સુરેખાબેન વિક્રમભાઈ ભોઈનું મોત થતા પરિવારમાં શોકની લાગણી। અમદાવાદના બાવળા તાલુકામાં વીજ કરંટ લાગતા એક વીજકર્મીનું મોત થયું। વીજકર્મી રંજીતભાઈ ચૌહાણને બાવળાથી યુજીવીસીની ઓફિસ ખાતે ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગતા તેમનું મોત થયું। સુરતના રાંદેરમાંથી ડ્રગ્સ માફિયા ઇસ્માઇલ ગુર્જરની ફિલ્મી ઢબે ધરપકડ કરવામાં આવી। આરોપીની ધરપકડ સમયના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા। ગુર્જર રાંદેર વિસ્તારનો કુખ્યાત ડ્રગ્સ માફિયા છે અને એટીએસે 22 કરોડથી વધુની કિંમતના ડ્રગ્સ કેસમાં તેની ધરપકડ કરી હતી। સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં બનેલી અકસ્માતની ઘટનામાં કાર ચાલકની પોલીસે અટકાયત કરી। કારના ચાલકે મોપેડ પર સવાર 3 યુવકોને અડફેટે લેતા હતા જેમાં એકને ગંભીર ઇજા થતા તેમને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડાયા। જૂનાગઢના કેશોદમાં પણ બજરંગ દળની શૌર્ય જાગરણ યાત્રા યોજાઈ। આ દરમિયાન શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર રથમાં બિરાજમાન રામ લક્ષ્મણ જાનકી હનુમાનજી મહારાજનું ઠેર ઠેર પૂજન અર્ચન કરાયું। અમરેલીના માનવ મંદિર પર મોરારીબાપુનું આગમન થયું। મોરારીબાપુએ માનવ મંદિરના મનોરોગીની મુલાકાત કરી માનવ મંદિરના સંત ભક્તિબાપુ સાથે ભોજન પ્રસાદ લીધો। ૧૫ ઓક્ટોબરથી માં જગતજનની આરાધનાનું પર્વ એટલે કે નવરાત્રીનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। અમદાવાદના શહેરીજનો માતાજીના મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈ શકે તે માટે એમટીએસ દ્વારા નવરાત્રી ધાર્મિક પ્રવાસ યોજનાનું આયોજન કરાયું છે। મહીસાગર જિલ્લામાં ભરાતા ઐતિહાસિક રવાયડીના મેળામાં લોકાર્પણના કાર્યક્રમમાં નવા જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ બાબુભાઈ પટેલની જીભ લપસી હતી જેમાં તેઓએ દાહોદના સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોરને કેન્દ્રીય આદિજાતિ મંત્રી તરીકે સંબોધ્યા। સાત દિવસના અંબાજીના ભાદરવી પૂનમના મેળાની પૂર્ણાહુતિ થઈ। કલેક્ટર દ્વારા ધ્વજા અર્પણ કરીને મેળાની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી। 23-29 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાયેલા મેળામાં 45 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ માં અંબાના દર્શન કર્યા। શક્તિપીઠ બેચરાજીમાં ભાદરવી પૂનમનું વિશેષ મહત્વ છે। ભાદરવી પૂનમને લઈને ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી હતી। બપોર સુધીમાં 70,000થી વધુ ભક્તોએ દર્શન કર્યા। મહેસાણામાં આવેલા ઊંઝા ઉમિયા મંદિરમાં પણ ભાદરવી પૂનમને લઈને ભારે ભીડ જોવા મળી। મા ઉમાના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંદિર પહોંચ્યા। સુરતમાં સાંસ્કૃતિક રક્ષા સમિતિએ ચરથાલા જેવા વિસ્તારોમાં પસાર થતી નહેરોમાંથી અર્ધ વિસર્જિત રજળતી ગણેશજીની પ્રતિમાઓને બહાર કાઢી હજીરા ખાતે દરિયામાં પુનઃ વિસર્જિત કરી।